بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس ٹو پریویس لیکچر میں ہم نے اردو کا صفحہ نمبر 83 84 اور 85 پڑھا تھا جو کہ آپ کے زبر زیر اور پیش کے بارے تھا آج ہم اپنا سبق نمبر 13 شروع کریں گے جس کا نام ہے باغبانی سبق نمبر 13 باغبانی باغ بانی اور یہ کیا ہے یہ ہماری نظم ہے یہ کیا ہے یہ ہماری نظم ہے نظم کسے کہتے ہیں کہ اب اردو میں دو طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ایک نثر ہوتی ہے اور ایک نظم ہوتی ہے نثر میں کہانیاں مضامین پیراگرافس آ جاتے ہیں جبکہ نظم میں شاعر کسی خیال کو یا کسی تصور کو بنیاد بنا کر اس کو ایک خاص انداز میں لکھ دیتا ہے اور اس میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو خیال اس کے ذہن میں آیا ہے اور اس کو اس نے نظم کی شکل دی ہے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اور اس کی جو وہ نظم لکھتا ہے اس کی ہر لائن کو مصرع کہا جاتا ہے دو مصرعے ہوں تو ایک شعر ہوتا ہے چار مصرعے ہوں تو بند ہوتا ہے اور جیسے جیسے آگے آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے تو آپ کو ان کے نام پتہ چلتے جائیں گے تو چونکہ آپ کی کلاس میں دو مصرعوں پر مشتمل یہ نظم ہے تو اس لیے اس کو شعر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کریں اسٹوڈینٹس سب سے پہلے ہمارا پہلے دن کا کام ہے پڑھائی آپ سب بچے اپنی کتاب کھولیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 86 کھولیں پیج نمبر 86 کھولیں جی کھول لیا ہم نے نظم پڑھنی ہے باغبانی کیا پڑھنی ہے نظم باغبانی باغبانی کا کیا مطلب ہے باغبانی کا مطلب ہے پودے لگانا باغبانی کا کیا مطلب ہے پودے لگانا پھول پھل یا گھاس پھوس لگانا ایک چھوٹے سے حصے میں اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا فرش ایسا ہے جو کچا ہے جہاں پر مٹی ہے تو اس مٹی میں جب آپ لگاتے ہیں پودے لگاتے ہیں اور وہ پودے جب
फूल या फल देना शुरू करते हैं तो वो एक छोटा सा बागीचा या बाग बन जाता है। तो यहाँ बागवानी से मुराद है पौधे लगाना, घास फूस लगाना, फूल या फल लगाना। जी स्टूडेंट्स, शुरू करें। सबसे पहले तो आप खास अल्फाज देखेंगे। खास अल्फाज हैं नंबर एक बाग। क्या लफ्ज है? बाग। नंबर दो सजाना। क्या है? सजाना। नंबर तीन क्यारी। क्यारी यानी छोटी सी जगह जहाँ पर तरतीब से पौधे लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्यारी। खाद। क्या लफ्ज है? खाद। और नेक्स्ट है रंग बिरंगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रंग बिरंगा। तो स्टूडेंट्स अपनी नज़्म शुरू करें। आपने ध्यान से सुनना है और नज़्म को समझना है। ओके। बच्चों ने एक बाग लगाया, बाग को उस अपने खूब सजाया। कैसे पढ़ेंगे? देखिए बड़ी ही दिलचस्प नज़्म है, आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। क्या है? बच्चों ने एक बाग लगाया, बाग को अपने खूब सजाया। अब यहाँ शायर क्या कह रहे हैं कि बच्चों ने मिलकर एक बाग लगाया, एक बाग तैयार किया, यानी एक नरम जगह पर फूल और पौधे लगाए और फिर उस बाग को खूब सजा दिया, यानी वहाँ पर ढेर सारे फूलों के फलों के पौधे लगा दिए, घास फूस लगा दी, यानी बीज बो दिए, उनको पानी दिया और अपने बाग को सजा लिया। करते वो काम बारी बारी, पौधे लगाते क्यारी क्यारी। क्या है हमारा अगला शेर? करते वो काम बारी बारी, पौधे लगाते क्यारी क्यारी। कि ये नहीं था कि सब एक ही काम कर रहे थे, बच्चों ने अपने काम को बांट लिया, अपने काम को तकसीम कर लिया कि कोई पानी ला रहा था, कोई बीज ला रहा था, कोई मिट्टी नरम कर रहा था और कोई उसका जो है वो यानी एक दो लोग मिलकर नरम करने के बाद मिट्टी को उसमें बीज बो रहे थे और फिर उसको कवर कर रहे थे। तो ये सब बच्चे अपने काम को बारी बारी कर रहे थे अपने अपने हिसाब से, यानी जिसके ज़िम्मे जो काम लगा था उसने वो काम करना शुरू कर दिया और फिर क्या किया? पौधे लगाते क्यारी क्यारी। अभी मैंने आपको बताया कि क्यारी एक छोटी सी जगह है, यानी आपके घर में अगर होगा तो आपने देखा होगा कि एक मखसूस जगह है जहाँ पर तरतीब से पौधे लगाए जाते हैं। तो उन्होंने अपनी क्यारियों में यानी वो छोटी सी जगह पर बड़ी तरतीब से पौधे लगाए। रोज़ खबर वो उसकी लेते, वक्त पे खाद और पानी देते। क्या है अगला शेर? रोज़ खबर वो उसकी लेते, वक्त पे खाद और पानी देते। कि ये नहीं था
के पौधे लगा दिए और उनको छोड़ दिया, बल्कि रोज़ाना वो उनको देखते थे, उन्हें पानी देते थे। अगर वहाँ खाद की ज़रूरत होती तो खाद भी डालते, तो वो उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। रंग बरंगे फूल महकते, आके परिंदे उन पर चहकते। क्या है हमारा अगला शेर? रंग बरंगे फूल महकते, आके परिंदे उन पे चहकते। यानी जब उन्होंने अपने बाग की बहुत ज़्यादा देखभाल की तो क्या हुआ कि जो बीज उन्होंने बोए थे उनसे फूल निकल आए, यानी बाग सज गया फूलों से और फूलों की खुशबू पूरे बाग में फैल गई, यानी महकते हुए खुशबूदार फूल पूरे बाग में उगाए। और फिर जब बाग फूलों से सज गया तो उस पर क्या हुआ, परिंदे आकर चहकना शुरू हो गए, यानी परिंदे अपनी ज़ुबान में चहचहाना यानी गाना शुरू हो गए और ख़ुशी का इजहार करना शुरू हो गए कि फूलों की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। तो उस पर परिंदे आए और अपनी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। फल भी मीठे मीठे आते, फल भी वो जो सबको भाते। क्या है हमारा अगला शेर? फल भी मीठे मीठे आते, फल भी वो जो सबको भाते। भाना यानी पसंद आना, अच्छा लगना, कि सिर्फ फूल ही नहीं खिले बल्कि बाग में जो दरख्तों के बीज बोए थे बहुत मज़ेदार थे और वो फल थे जो सब ही खाना पसंद करते हैं। यानी उन्होंने ऐसे दरख्त अपने बाग में लगाए जिनके फल सब बड़े शौक से खाते हैं, सबको बहुत पसंद है। जो भी बच्चा मेहनत करता, वक्त मज़े से उसका गुजरता। क्या है हमारा अगला शेर? जो भी बच्चा मेहनत करता, वक्त मज़े से उसका गुजरता। कि देखिए पूरे बाग के बारे इस नज़्म में बताया गया है और बताया है कि बच्चों ने मेहनत की, बच्चों ने बीज लगाए, फिर उनकी देखभाल की, उन्हें वक्त पर पानी दिया और खाद डाली जिससे फूल और फल उग आए। तो आखिरी शेर में शायर ने यही कहा है कि जो बच्चा मेहनत करता है वो ही पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। अब चाहे वो बागबानी हो और चाहे वो पढ़ाई हो, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें उसका अच्छा बदला नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, नज़्म आपको समझ आ गई। इसके शायर के नाम है, का नाम है शफीउद्दीन नय्यर। क्या नाम है? शफीउद्दीन नय्यर। ये हमारी इस नज़्म के शायर हैं जिन्होंने ये पूरी नज़्म लिखी है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको नज़्म समझने में आसानी होगी।
नेक्स्ट हमारा है इमला के अल्फाज। आप लोग अपने पीडीएफ नोट्स अपने सामने रखें। इमला के अल्फाज, आपने इमला के अल्फाज मेरे साथ साथ पढ़ने हैं ताकि आपको लफ्ज पता चल जाए कि कैसे अदा करने हैं। नंबर एक बाग, नंबर एक बाग, नंबर दो क्यारी, नंबर दो क्यारी, नंबर तीन खाद, नंबर तीन खाद, नंबर चार मेहनत, नंबर चार मेहनत, नंबर पांच रंग बरंगे, रंग बरंगे, नंबर छः महकते, महकते, नंबर सात मीठे मीठे, मीठे मीठे, नंबर आठ सजाना, सॉरी नंबर आठ सजाया, नंबर आठ सजाया, नंबर नौ भाते, भाते, और नंबर दस चहकते, चहकते। क्या हैं हमारे इमला के अल्फाज? बाग, क्यारी, खाद, मेहनत, रंग बरंगे, महकते, मीठे मीठे, सजाया, भाते, चहकते। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है जिसमें आपने नज़्म को पढ़ना है और ज़ुबानी याद करना है। उसके बाद आप इमला के अल्फाज याद करेंगे और उन्हें कॉपी पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम हमारा है अल्फाज मायनी, अल्फाज मायनी। मैं बोर्ड पर साथ साथ लिखूंगी और पढ़ाऊंगी, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। नंबर एक सजाया, पहला लफ्ज हमारा क्या है? सजाया। सजाया का मतलब है संवारा, सजाया का क्या मतलब है? संवारा। नंबर दो रंग बरंगे, नंबर दो क्या है? रंग बरंगे, इसका मायने क्या है? कई रंग के, क्या है? कई रंग के। नंबर तीन खबर लेना, नंबर तीन खबर लेना यानी ख्याल रखना, क्या मायने है? ख्याल रखना और निगरानी करना, इसके दो मायने हैं। एक है ख्याल रखना या निगरानी करना। नंबर चार भाता,
भाता यानी अच्छा लगता, अच्छा लगता। नेक्स्ट है महकते, महकते यानी खुशबू फैलाते, महकते यानी खुशबू फैलाते। नंबर सिक्स है चहकते, चहकते यानी खुशी से बोलते, खुशी से बोलते या गीत गाते, खुशी से बोलते या खुशी से गीत गाते। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके अल्फाज मायनी हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ा देती हूँ आपको। नंबर एक सजाया, इसका मायने क्या है, संवारा। नंबर दो रंग बरंगे, क्या मायने है इसका, कई रंग के, कई रंग के। नंबर तीन खबर लेना, खबर लेना, और उसका क्या मायने है, ख्याल रखना या निगरानी करना। नंबर चार भाता, भाता इसका मायने है अच्छा लगता, अच्छा लगता। नंबर पांच महकते, महकते इसका क्या मायने है, खुशबू फैलाते, खुशबू फैलाते। नंबर छः चहकते, चहकते यानी क्या मायने है, खुशी से बोलते या गीत गाते, क्या है, खुशी से बोलते और गीत गाते। तो ये आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए हैं, और साथ ही आपके दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम, हमारे सवालात हैं। हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर एक, बच्चों ने क्या लगाया। क्या सवाल है, बच्चों ने क्या लगाया, क्या लगाया था बच्चों ने, आपने नज़्म में पढ़ा है जी। आप लिखेंगे बच्चों ने एक बाग लगाया। क्या जवाब है इसका, बच्चों ने एक बाग लगाया। सवाल नंबर दो है, बच्चे कैसे काम करते थे, बच्चे कैसे काम करते थे, कैसे काम करते थे, बारी बारी। तो हम क्या जवाब लिखेंगे, बच्चे बारी
बारी काम करते थे, बच्चे बारी बारी काम करते थे। हमारा सवाल नंबर 3 है, किन बच्चों का वक्त मज़े से गुज़रता है, किन बच्चों का वक्त मज़े से गुज़रता है। तो हमने क्या लिखना है इसमें, किसका वक्त मज़े से गुज़रता है, जो बच्चा मेहनत करता है। तो आप क्या लिखेंगे, मेहनत करने वाले बच्चों का वक्त मज़े से गुज़रता है। क्या जवाब है, मेहनत करने वाले बच्चों का वक्त मज़े से गुज़रता है। मैं एक मर्तबा सवाल आपको दोबारा पढ़ाने लगी हूँ, तवज्जो से सुने। सवाल नंबर 1 है, बच्चों ने क्या लगाया। क्या जवाब है उसका, बच्चों ने एक बाग लगाया। सवाल नंबर 2, बच्चे कैसे काम करते थे। उसका जवाब है, बच्चे बारी बारी काम करते थे। सवाल नंबर 3 है, किन बच्चों का वक्त मज़े से गुज़रता है। इसका क्या जवाब है, मेहनत करने वाले बच्चों का वक्त मज़े से गुज़रता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 3rd दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना 4th दिन का काम शुरू करेंगे। 4th दिन का काम है, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। क्या सवाल है, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज लिखे हुए हैं, हमने उसके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है रंग बरंगा। क्या लफ्ज़ है, रंग बरंगा। आप क्या जुमला बनाएंगे, मैंने बाग में एक रंग बरंगा परिंदा देखा। रंग बरंगा कई रंगों वाला, तो क्या जुमला बनाएंगे, मैंने बाग में एक रंग बरंगा परिंदा देखा। नेक्स्ट है खबर लेना, बच्चा
रोज बाग में जाकर फूलों की खबर लेता। क्या बनेगा? बच्चा रोज बाग में जाकर फूलों की खबर लेता। नेक्स्ट है सजाना। सजाना तो क्या बनाएंगे? बच्चों ने बाग को फूलों से सजाया। क्या जुमला बनेगा? बच्चों ने बाग को फूलों से सजाया। मैं अल्फाज जुमले एक मर्तबा दोबारा पढ़ देती हूँ। पहला आपका लफ्ज़ है रंग बरंगा। क्या जुमला बनाएंगे? मैंने बाग में एक रंग बरंगा परिंदा देखा। नंबर दो, खबर लेना। क्या जुमला बनाएंगे? बच्चा रोज बाग में जाकर फूलों की खबर लेता। नंबर तीन, सजाना। बच्चों ने बाग को फूलों से सजाया। क्या बनाएंगे? बच्चों ने बाग को फूलों से सजाया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चौथे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना पांचवें दिन का काम शुरू करेंगे। पांचवें दिन का काम लफ्जी गिनती एक ता नौ, यानी एक से लेकर नौ तक हमने लफ्जी गिनती पढ़नी है। तो आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 88 खोलें, पेज नंबर 88। जी, खोल लिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपकी किताब पर पूरी लफ्जी गिनती लिखी हुई है और तस्वीरें भी बनी हुई हैं। एक है तो एक चीज़, दो है तो दो चीज़ें, तीन है तो तीन चीज़ें, चार है तो चार। तो आप इसको काउंट करके यानी गिन कर भी याद कर सकते हैं। जैसे पहले है, एक तस्वीर बनी हुई है, तो आप लिखेंगे एक। आपने उर्दू सॉरी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वन। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के साथ साथ आपको उर्दू की गिनती भी मालूम होनी चाहिए कि उर्दू में हम गिनती कैसे पढ़ेंगे। तो एक है तो जिसको हम वन कहते हैं, उर्दू में से क्या कहते हैं? एक। अगर दो चीज़ें हों जिसको हम टू कहते हैं, तो वो दो। क्या होता है? दो, यानी एक चीज़ है। जैसे फ़र्ज करें ये एक बॉक्स है, एक है तो एक हो गया। अगर एक से ज़्यादा है यानी दो है, तो दो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितने हो गए? एक
दो और तीन, तो हम इसको पढ़ेंगे तीन, जिसे आप इंग्लिश में थ्री कहते हैं, उर्दू में उसे क्या कहेंगे, तीन। अब अगर आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा बॉक्सेस बन गए, एक दो तीन, और तीन के आगे क्या आता है, चार, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको उर्दू में, चार, क्या पढ़ेंगे, चार। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब हम फिर काउंट करेंगे, एक दो तीन चार और पांच, तो ये हमारा कितना हो गया, पांच, जिसको आप इंग्लिश में फाइव कहते हैं। एक है तो एक, एक दो यानी दो, एक दो तीन, तीन लिख लिया, एक दो तीन चार, तो हमने चार लिख लिया, एक दो तीन चार पांच, तो हमने पांच लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है छः, तो हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच और छः। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है छः, छः को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बढ़िए के साथ भी ये लिखा जा सकता है, दोनों तरीके दुरुस्त हैं, ठीक है। छः, एक दो तीन चार पांच छः, तो हमने क्या लिखा, छः। अब हम फिर बॉक्सेस बनाएंगे, आप साथ साथ काउंट करें, एक दो तीन चार पांच छः, और छः के बाद क्या आएगा, सात, क्या आएगा, सात, तो हम यहाँ पर सात लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सात। अब हम फिर बॉक्सेस बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात, और सात के बाद क्या आएगा, आठ, क्या आएगा, आठ, एक दो तीन चार पांच छः सात, और सात के बाद आठ, आठ। अब हम फिर बॉक्सेस बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, और आठ के बाद क्या आता है, नौ। फिर काउंट करें, एक दो तीन चार पांच छः
सात, आठ और नौ। नौ। तो ये हमारी एक से नौ तक की लफ्जी गिनती मुकम्मल हो गई। आपने याद करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना है कि जो आपकी तस्वीर दी गई है, यहाँ तो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं लेकिन आपकी किताब पर तस्वीर मौजूद हैं, आप उन्हें गिनकर याद करेंगे। यानी एक है तो एक, एक दो, दो एक, दो तीन, तीन एक, दो तीन चार, तो क्या हो गया चार। एक दो तीन चार पाँच, तो क्या हो गया पाँच। एक दो तीन चार पाँच छः, तो क्या हो गया छः। और मैंने आपको बताया है कि छः इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, तो ये क्या हो गया सात। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो ये क्या हो गया आठ। आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ये क्या हो गया नौ। तो ये आपकी लफ्जी गिनती मुकम्मल हो गई और आपका पाँचवें दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही आपका सबक बागवानी मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।